हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फेसबुक से ब्लॉक लिस्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं। आपने जितने भी फ्रेंड को, दोस्त को आपने ब्लॉक कर रखा है, या ब्लॉक लिस्ट ही डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिन फ्रेंड को ब्लॉक कर देते हैं तो वो उनकी लिस्ट है कहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे थ्री लाइन पे, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की ओर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये सेटिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब सेटिंग के ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से देख सकते हैं, ऐसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर आएंगे, देख सकते हैं ऑडियंस एंड विजिबिलिटी के ऑप्शन पे आएंगे, ब्लॉकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्त, यहाँ पे आपको बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप इस पे अनब्लॉक पे क्लिक कर दो डिलीट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप अनब्लॉक कर दोगे तो वो फिर से आपके फ्रेंड लिस्ट में आ जाएगा। तो आपको बता दूं कि ये यहाँ से डिलीट नहीं होता है, ठीक है। डिलीट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ब्लॉक्ड पीपल वंस इफ यू ब्लॉक्ड। यदि आप किसी को ब्लॉक कर देते हो तो वो आपकी पोस्ट नहीं देख सकता, जो आप पोस्ट करते हो वो आपको कमेंट नहीं कर सकता, आपकी फ़ोटो नहीं देख पाएगा, आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, ना ही आपको कुछ भी आपकी एक्टिविटी आपके साथ नहीं कर पाएगा यदि आप किसी को ब्लॉक कर देते हो तो, ठीक है। यदि आप अनब्लॉक कर दोगे तो फिर से वो ये सब कुछ कर पाएगा, यदि आप इसे अनब्लॉक कर दोगे तो इनको यदि आप डिलीट करना चाहते हो, यहाँ ब्लॉक लिस्ट से ही हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो क्या करना है। तो सिंपल से फ्रेंड, यदि आप ब्लॉक लिस्ट को इन्हें डिलीट करना चाहते हो, सबको डिलीट करना चाहते हो, उसके लिए देख सकते हैं इसे हम बैक करेंगे, यहाँ से नीचे से बैक करेंगे। बैक करने के बाद इसे और एक बार बैक करिए, यहाँ पर आ जाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं मेनू में आ जाएंगे। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। देख सकते हैं गो बैक टू वेयर यू सॉ इन इशू एंड शेक योर फोन। तो अपने फ़ोन को इस तरह से हिलाना है, ठीक ना, इस तरह से हिलाने के लिए बोल रहा है। जहाँ पर आपको इशू है पहले वहाँ पर आप ले जाइए अपने फ़ोन को, और उसके बाद इस तरह से आपको एक बार हिला देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, देख सकते हैं इस तरह से है। बाकी आप यहाँ से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करके। आप उसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए उस प्रॉब्लम का, और उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है तो जैसे आप कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे इस तरह से, यहाँ यहीं से यदि करना चाहें तो डोंट इंक्लूड इन रिपोर्ट यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे, और इसको हम कट करेंगे, और प्रॉब्लम क्या है अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक करेंगे। आप पहले वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, जैसे मैंने ले रखा है, देख सकते हैं ये मैंने ले रखा है। यहाँ पर ये फ्रेंड लिस्ट है हमारी जिनको हम डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे आई वांट टू डिलीट माय ब्लॉक लिस्ट, हु इज़ इन ब्लॉक लिस्ट माय फ्रेंड्स दैट आई वांट टू डिलीट, इन्हें मैं डिलीट करना चाहता हूँ जो हमारे ब्लॉक लिस्ट में है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो सेम टू सेम आप इसे बैक करेंगे। चलिए बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे, होम में आ जाएंगे। चलिए एक बार होम में आ जाएंगे, यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर से आप यहाँ पर सेटिंग में क्लिक कर लेंगे, अपने सेटिंग में, अपने फेसबुक की सेटिंग में क्लिक करेंगे, और ऑडियंस एंड विजिबिलिटी के ऑप्शन में आएंगे, ब्लॉकिंग के ऑप्शन में आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि फ़ोन को अपने शेक करना होगा, तो यहाँ पर इस तरह से आप फ़ोन को इस तरह से हिलाएंगे इस तरह से, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये निकल के आ जाता है रिपोर्ट और टेक्निकल प्रॉब्लम। तो रिपोर्ट प्रॉब्लम पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वहाँ से नहीं लाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर देख सकते हैं पहले से स्क्रीनशॉट ये अपने आप इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप बस आपको लिख देना है कि आई वॉन्ट टू डिलीट, या हिंदी में लिख दीजिए मैं डिलीट करना चाहता हूँ फेसबुक ब्लॉक लिस्ट को, तो जस्ट मैं इंग्लिश में टाइप कर देता हूँ आई वॉन्ट टू डिलीट माई ब्लॉक लिस्ट है, तो यहाँ पर जस्ट इसको हम सेंड करेंगे यहाँ पर इस तरह से, थैंक्स योर फीडबैक हेल्प्स इम्प्रूव्स। तो यहाँ पर ये जो है तो मुझे मैसेज कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है कुछ समय बाद, या जो भी यहाँ पे हमें शो करेगा तो हमें मैसेज आ जाएगा हमारे मेल में या फिर फेसबुक में नोटिफाइड हो जाएगा, तो देखेंगे क्या मैसेज आता है। तो चलिए अभी तो यहाँ से अभी डिलीट नहीं हुआ, बाकी आप इन्हें अनब्लॉक मत करिएगा। यदि आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो अनब्लॉक कर दोगे तो ये फिर से आपकी सारी एक्टिविटी देख पाएंगे, आपके साथ ये जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपका सब कुछ देख पाएंगे जो भी आप अपलोड करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं इनको डिलीट करना तो यहाँ से अनब्लॉक मत करिएगा, इतना मैं आपको श्योर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अनब्लॉक मत करिएगा, इनको जो है डिलीट करने का बस एक ही तरीका है जो मैंने आपको दिखाया ब्लॉक लिस्ट को डिलीट करने का, कि रिपोर्ट करना है आपको, बस इतना कर देते हो तो आपको फेसबुक ज़रूर बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, जो भी होगा इसका शॉर्ट लिस्ट होगा 24 घंटे में आपको इन्फॉर्म हो जाएगा आपको। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, थोड़ा सा भी यदि आपको हेल्प मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।